नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आखिरी फेज की वोटिंग बाकी है, सातवें चरण की वोटिंग बाकी है और बिहार के 8 सीटों पर कल यानी कि 1 जून को मतदान होना है। बिहार की 8 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, साथ में समरीन है, जर्नलिस्ट हैं लाइव स्ट्रीम की। हम दोनों ही आज इन 8 सीट पर क्या लबोलुभाव रहा। संतोष सिंह जी खूब घूमे हैं, आपने तो काफ़ी मशक्कत की है और काफ़ी ज़िलों में गए हैं, काफ़ी लोकसभा क्षेत्रों का कवर किया है, घूमे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कहती है जनता, जनता का मूड क्या है। खास करके पहले हम इन 8 सीटों से इसकी शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नालंदा से। नालंदा ज्ञान की भूमि है, जहाँ से नीतीश कुमार का गृह जिला है। क्या लगता है नालंदा में, क्या मूड है, क्या माहौल है वहाँ पर? कौशलेंद्र जी हैं, एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सामने में संदीप सौरभ जो कि लेफ्ट पार्टी से हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे इलेक्शन में क्या हुआ ना कि अब कास्ट कैलकुलेशन को रिविजिट करने की कोशिश हो रही है, तो सब जगह सिर्फ नालंदा ही नहीं, कहीं जाएंगे तो सब कास्ट, जिसे मैंने बोला था पिछले प्रोग्राम में, सब जोड़ रहे हैं क्या क्या कास्ट है। तो CPIML भी अपना काडर जोड़ रही है कि भाई एक ट्रेडिशनल वोट्स के अलावा क्या है, लेकिन एक नालंदा ऐसी सीट देख रहा हूँ NDA की, एक सबसे सुरक्षित सीट मुझे लगती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होनी चाहिए जीतने के लिए। वहाँ नीतीश कुमार का जो एक फॉलोइंग है, उनका जो एक ट्रेडिशनल कास्ट वोट है, और प्लस जो NDA का वोट है, NDA के जितने भी आप देखिए बिहार गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए राजगीर लिखी है, जो डेवलपमेंट किया है, जो ग्लास ब्रिज आया, एक मॉडल के रूप में जो प्रस्तुत किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि नालंदा में कोई बहुत सीरियस कंटेस्ट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब होगा, 19 की तरह नहीं होगा, लेकिन उतना भी करीब नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी आनी चाहिए। नहीं, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार का वो गृह जिला है, तो नीतीश कुमार का लगता है आपको कि दबदबा बरकरार है? आपने NDA का भी वोट उसमें कहा कि ऐड ऑन हो रहा है। नहीं, NDA का वोट भी ऐड ऑन हो रहा है और उनका जो दबदबा है, जो खास करके एक कुर्मी पॉपुलेशन अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा हैवी कंसंट्रेशन है। अब देखिए, शुरुआत से देखिए, कौशलेंद्र कुमार को हम लोग कब सुनते हैं, पार्लियामेंट में बहुत कम प्रेजेंस रहता है, वो नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, तो वो इमेज अभी भी है। वो वोट प्रच्छन्न रूप से नीतीश कुमार को ही लोग देते हैं, वो देखते हैं नीतीश कुमार एज ए लीडर की आप कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो उनकी पर्सनालिटी है, उनका जो हलक है, एक बैटल ऑफ प्रेस्टीज है नालंदा। अब उलट करके देखिए तो संदीप सौरभ ठीक है, JNU से पढ़े हुए हैं, अच्छा स्ट्रगल करके आए हैं, उसके पहले वो कैंपेन करते थे, गरीब परिवार के हैं, सारा बैकग्राउंड है, लेकिन आप जोड़ेंगे उनके साथ क्या क्या जोड़ेंगे आप? उनके जो एक ML का जो कार्डर बोस्ट है, उसमें कुछ दलित का ले लीजिए, और RJD के साथ अलायंस है तो आप थोड़ा सा MOI ले लीजिएगा। हाँ, प्रयोग किया गया कि लेफ्ट पार्टीज का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस वोट की हम लोग कम चर्चा करते हैं, वो दो वोट्स हैं, महिलाएं और EBC। EBC की संख्या अगर हिंदू EBC की लेंगे 25% है, 11 मुस्लिम को मिला के 36% हो जाता है। तो ये दो सेगमेंट की हम बात कम करते हैं तो ये दो सेगमेंट NDA पर भारी पड़ जाता है। EBC का अगर 25% है, अभी भी मुझे लगता है कि ज्यादा झुकाव मल्ला फैक्टर अगर छोड़ भी दें, मल्ला बिन थोड़ा बहुत लगते हैं कि उसमें दरार आ गई है, तो भी हमको लगता है कि पलड़ा निका नालंदा की अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, NDA का भारी लग रहा है। अब हम माइक पास करेंगे अपने सहयोगी समरीन को, लोकसभा की वो बात करेंगे। जी, तो अब अगली सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो सीट है पाटलिपुत्रा की सीट, और हमें पता है कि पाटलिपुत्रा का रन इस बार काफी दिलचस्प हो गया। देखिए, एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बिटिया है मीसा भारती और दूसरी तरफ है राम कृपाल यादव। क्या लगता है संतोष जी, क्या होने जा रहा है इस बार पाटलिपुत्रा में? क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि राम कृपाल यादव के खिलाफ काफी एंटी इनकंबेंसी, जैसे आपने कहा, ये मैंने भी महसूस किया। मैं घूमा एक दिन पाटलिपुत्रा में, मैं कोशिश किया कि मीसा भारती के साथ घूमूं। तो अब जब एक तरफ लालू जी सारण में कैंप कर रहे थे, बाद में राबड़ी देवी भी कैंपेन किया यहाँ आकर के, तो कंप्लीट फोकस परिवार का मुझे लग रहा था कि सारण कुछ ज्यादा बैटल ऑफ प्रेस्टीज बना दी, और ये चूंकि तीसरी बार चुनाव लड़ रही है तो इनका एक इंट्रैक्शन लेवल जो है वो बढ़ गया है। मुझको एक रिटायर्ड कैप्टन, एक कोई सिन्हा सरनेम से मिले, वो तो एक गांव में जा रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन कही कि इस बार अगर नहीं जीती तो कभी नहीं जीतेगी, इस बार नहीं जीती तो कभी नहीं जीती। तो बड़ी बात कि बेस्ट चांस है। जो आप देखिएगा कि पुलवामा इफेक्ट के होने के बाद 40-42 से ज्यादा फर्क नहीं रहा पिछली बार, उसके पहले भी यही लगभग 30-35-40 के बीच में, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रहती है। तो इन्होंने अगर रोजगार के कारण यूथ को, वोट्स को अगर स्प्लिट कर दिया है,
और थोड़ा सा अपर कास्ट को भी थोड़ा सा जोड़ लिया है, थोड़ा सा ईबीसी को भी जोड़ लिया है, क्योंकि अब तो माई और बाप दोनों की बात, हाँ माई और बाप दोनों की बात हो रही है, तो वो तो खैर पूरे बिहार की बात हो रही है। तो मुझको जोड़ते हुए, जैसे कि आप बोलते हैं कि उसने क्या प्रोजेक्ट किए हैं, तो रामकृपाल जी थोड़े से इसमें डिफेंसिव होते हैं, कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, छोटे छोटे काम बहुत किए हैं, छोटे छोटे, और मेरा भी रीच है, और रामकृपाल जी पीपल कनेक्ट है, रामकृपाल जी का सबसे है कि कंस्टेंटली कल्टीवेट करना, कोई भी ओकेजन होना छोटा छोटा वो जाना, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके कामों को लोग कोई काम करेगा निश्चित रूप से रहेगा। तो लेकिन ये बैटल में कम्प्लीटली 50-50 का बैटल मैं मान रहा हूँ, इस पर मैं कोई कमिट नहीं करना चाहता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तगड़ी लड़ाई है, नेक टू नेक वाली, एकदम नेक टू नेक है। मुझको एक एसडीओ से बातचीत हुई, वो इस जगह का नाम नहीं बताऊंगा किस जगह के एसडीओ से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत सीधी बढ़त रामकृपाल जी को थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया कैंपेन होता गया ये एकदम करीब हो गया। लेकिन एक सवाल जो सीधा सवाल होगा मेरा आपसे, 51 कौन और 49 कौन, किसको दीजिएगा 51 और किसको बहुत दीजिएगा 49? मैं इसमें बचूंगा इस बार, मैंने आपके आप ही के चैनल पर मैंने ये किया है भाई, बताया है कि कौन होना चाहिए, यहाँ मुझे नहीं लग रहा, यहाँ रामकृपाल जी की अपनी पॉपुलरिटी है, मोदी फैक्टर है, ईबीसी फैक्टर है बहुत है, और इनका है कि इन्होंने भी जोड़ा है, तो दोनों ने, चूंकि दोनों का अंतर पास्ट में इतना कम रहा है, आई कैन नॉट टेक ए कॉल, यू कैन नॉट टेक अ कॉल, हाँ आई कैन नॉट टेक ए कॉल, दोनों ही यादव कास्ट के हैं, तो यादव का वोट रामकृपाल जी को भी मिलेगा, ये मिलता ही है, हर बार मिलता है, हर बार मिलता है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी देखना होगा। हाँ एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं। चलिए हम अगली सीट की बात करते हैं, बगल में ही सीट है पटना साहिब की बात कर लेते हैं, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब में, रविशंकर प्रसाद हैं, सामने में हैं अंशुल अभिजीत, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अंशुल अभिजीत मीरा कुमार जो कि लोकसभा की स्पीकर रही हैं उनके बेटे हैं, कैसे देखते हैं अंशुल अभिजीत का, क्या आए हैं ठीक है लैंड किए, कुछ लोग कह रहे हैं जो उनके खिलाफ हैं कि पैराशूट से लैंड किए, लेकिन लगता है कि हाँ काम होगा या वोट मिलेगा उन्हें? ये आपने बोला ना पैराशूट वाला था, रविशंकर प्रसाद का मैं परसों इंटरव्यू किया, कैंपेन ट्रेल कर रहा था, तो वो जब स्टार्ट किए अपने घर से बोरिंग रोड वाले घर से फल मंडी जाना था, तो आधे घंटे के बीच में मैंने इंटरव्यू उनका 20-25 मिनट का किया, तो उसमें मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक मैं अपने अपोनेंट का नाम नहीं लेता हूँ, जब शत्रुघ्न सिन्हा भी लड़ रहे थे तो मैं इतना ही कहता था कि आप जनता को खामोश नहीं कर सकते हैं, उनका जो पे डायलॉग है 19 वाला, तो मैं इस बार उनका भी, मैंने अंशुल अभिजीत का भी वो नाम नहीं लिया, एक टर्म का इस्तेमाल किया जो आपने बोला ना पैराशूट, कि देयर आर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, कि आए फ्लाइट से आए शाम तक चले गए फ्लाई एट नाइट ऑपरेटर, विदेशी पर्यटक, अब विदेशी नहीं मतलब कि नॉन रेजिडेंट आए, और जो कि यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, और उन्होंने आप देखिए, और ये सीट देखिए सबसे लास्ट में डिसीजन हुआ है, हम लोग सब जान रहे थे कि मिलना है टिकट अंशुल अभिजीत को मिलना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मोमेंट में टिकट डिक्लेयर किया, तो उस व्यक्ति को समय नहीं मिला, कल्टीवेट नहीं किया, तो वो सारे वो कास्ट फैक्टर जो है, मुस्लिम यादव अब उनको लग रहा है कि कुशवाहा वोट में एड ऑन होगा, वो सब जो पूरे बिहार की जो स्थिति है वो भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये पूरा जो इलेक्शन मान रहा हूँ एक वर्ड में कहें तो ये राशन वर्सेस कास्ट का इलेक्शन, राशन में सब आ गया, मोदी फैक्टर सब कुछ आ गया, राशन वर्सेस कास्ट है, तो आप देखिए कि राशन और कास्ट में कौन जीतता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि पटना साहब ऐसी सीट है, जब डिलिमिटेशन 2008 में हुआ, 9 का चुनाव हुआ, तब से आप देखिए 2 बार शत्रुघ्न सिन्हा जीते, ये जीते, और तब पटना, इसके पहले पटना सीट थी, तब इसका डिफरेंट कंपोजिशन था, उस वक्त सीपी ठाकुर जब लड़ते थे, सीपी ठाकुर भी थे, रामकृपाल भी जीते, सीपीआई के राम अवतार शास्त्री जीते, तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अभी जब कहेंगे पास्ट 3 इलेक्शन का, और अर्बन एरिया में जनरली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, और ये एक कंटेस्ट है, लेकिन रविशंकर प्रसाद इसमें फेयर मार्जिन से जीतेंगे, हाँ एकदम, हाँ मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगली सीट की फिर चर्चा सम्मिलित करेंगे जी, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है काराकाट की सीट, यानी कि हॉट सीट, सबकी जुबान पर सिर्फ काराकाट का ही नाम है, सब यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पर होने क्या जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर 3-3 पहलवान है मैदान में, क्या लगता है संतोष जी आप गए भी थे काराकाट, क्या खबर है वहां से, क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए हम लोग कहते हैं ना कि हवा का रुख, बिल्कुल, तो पवन का क्या रुख होगा इस किधर बह रही है, हाँ तो वो क्या है ना कि पवन सिंह ने कंटेस्ट करके जो होता है ना कि एक पंच लाया है, आप जो जिसे वो राजनीति का कहे ना चाट मसाला, तो वो एक्स फैक्टर यूथ क्रेजी है उसके पीछे, अच्छा। खास करके 18 से 30 वर्ग वाला यूथ में उनके गानों पर, अब खेसारी लाल यादव आकर के कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन क्या करते हैं गाना गा रहे हैं, वो
गाना गा रहे हैं, तो वो भोजपुरी के भी भोजपुरी के तमाम कलाकार आ रहे हैं, पवन सिंह की अपनी बड़ी फॉलोइंग है, तो अगर कास्ट समीकरण अगर छोड़ दें और उनकी सजाती का राजपूत का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वोटर्स नहीं है, 1.5 लाख करीब वोटर हैं, बहुत लोग 2 लाख 2.5 लाख बोलते हैं, लेकिन मेरी जानकारी मिली इतने हैं, उसमें 50% 55% 60% पोल होता है तो कम हुआ, लेकिन उनका उनकी उनकी ताकत यह है कि फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया में इतना रीच है, अगर युवक ने जम के वोट दिया, तो हर जाति के युवक होते हैं, हर जाति के होते हैं, युवक की कोई जाति नहीं होती है, अगर वो मैंने कट ऑफ लाइन लिया है कि 50-60 हजार वोट से अगर वो काटते हैं तब तो उपेंद्र कुशवाहा फिर भी जीत जाएंगे, अगर वो 1.25 लाख वोट लाते हैं तब उपेंद्र कुशवाहा को जीतने में दिक्कत है, पवन सिंह जीतने में भी हमको दिक्कत है, जीते जाएंगे राजा राम, मतलब राजा राम, मतलब पवन सिंह के जीतने के चांस मुझे नहीं बन रहे हैं, वो आप बहुत वोट लाएंगे तो क्या 1.25 लाख 1.5 लाख लाएंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ डैमेज करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, पवन सिंह डैमेज करेंगे, वो एक्स फैक्टर है, वो हरा देंगे, मतलब 1.5 लाख मान लिया वोट ले आता है तो एक अपनी कंस्टिट्यूंसी बना लिया ना इंडिपेंडेंट लड़के, अगली बार बड़ी बार बीजेपी में ही आ जाएगा, तो वो क्या होगा कि और उसको कंस्टिट्यूंसी ऐड होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन राजा राम का देखिए आरजेडी का अपना काडर वोट है, CPIML का काडर वोट है, माले का पुराने नेता है, उन्होंने गाँव में फोकस किया है, मैं जब घूम रहा था कि ओबरा घूम रहा हूँ, दाऊदनगर घूम रहा हूँ, नासरीगंज घूम रहा हूँ, तो मैंने पता किया कहाँ है राजा राम से, तो उसको गांव घूम रहे हैं, तो उनका रूरल सेंट्रिक जी। एक फैक्टर ये भी होता है कि हम जहाँ तक देखते हैं कि जो लेफ्ट पार्टीज जैसे हम देखते हैं यादव हो या कई कम्युनिटीज के लोग होते हैं, कई जाति के जो लोग होते हैं, वो आरजेडी को वोट देना पसंद करते हैं, कांग्रेस को वोट देना पसंद करते हैं, लेकिन माले में उनकी थोड़ी झिझक होती है, मैं समझ गया, लोग हैं वो क्रिमिनल हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये फिर आके लाल झंडा, आपके आपके आपका प्रश्न ये जो है ना, ये प्रश्न मैंने पूछा था, मैंने ओबरा के एक मार्केट में एक शॉपकीपर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक जो CPIML का जो लाल झंडा लगाने वाला जो है वो टैग है, वो जमीन को कब्जा करने वाला जो टैग है, वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहा है, भले ही पॉलिटिक्स लेफ्ट की भी बदल गई है, वो बोला कि वो नया नैरेटिव लेके नहीं आ रहे हैं, वही पुरानी बात कर रहे हैं कि दमन करता है दलितों का, एट्रोसिटी, नया नहीं है, जबकि वो भूल गए हैं कि उस जो लैंड का ट्रांसफर हुआ है वो अपर कास्ट से शिफ्ट होकर के कोयरी कुर्मी यादव में बहुत ज्यादा चला गया है, तो अब जो है आज के जो नवधनाध्य हैं तो उनकी लड़ाई तो होगी, जो उनके अलायंस पार्टनर है अभी आज के डेट में, तो वो झिझक है, उस झिझक के कारण अर्बन वोटर्स उनको कम लगेंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस स्थिति में ये सीधा पवन डिसाइड करेगा, पवन डिसाइड करेगा, हाँ ये अलग, लेकिन एक यहाँ पर भी डाउट है, लोग ये कह रहे हैं कि पवन को देखने के लिए तो लोगों का हुजूम लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ भीड़ है जो पवन को देखने आई है, इंटरटेन होने आई है, ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील नहीं होगी, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैंने बोला ना 18 से 30 वर्ष का वर्ग युवक अगर अच्छी संख्या में वोट देने निकलता है तो वो पवन देखेगा कि विकास देखेगा कि राजा राम देखेगा, नहीं वो हमको लगता है कि उसमें जो पवन की आ रहा है, जो उसको फॉलो कर रहा है, वो इमोशनल क्राउड जो है, जो इमोशन जब होता है ना, आपको रीजन नहीं देखते हैं, है ना, वो उसने देखिए स्टार्ट कैसे किया है, नेता नहीं बेटा, और उसके 20 पॉइंट का पैम्पलेट बांट रहा है, बीस पॉइंट में सारे डेवलपमेंट, हम की यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे तो कैसे, मतलब कि ऑर्गेनिक खेती हो, और सारे मॉडर्न आइडियाज को दिया है, तो एक विजन के साथ आया है, गाना बजाना अपनी जगह पर है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब लोग जा रहे हैं और वोट नहीं देंगे, कुछ वोट्स में कन्वर्ट होंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 50-60 हजार अगर आता है तो भी कुशवाहा 10-20 हजार से निकल जाएंगे, अगर ये 1.25 लाख लाता है तब कुशवाहा जी को बहुत, फिर राजा राम निकलेंगे, तब राजा राम की जो राजा राम निकलेंगे, चांस नहीं बन रहा है, पवन के चांस मुझे कम लग रहे हैं, मैंने राजनीति में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए आदमी को कि ये नहीं हो सकता है, अब मैंने जो देखा कि 3-way fight में उनको और बेस वोट नहीं जुटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चांसेस कम लग रहे हैं उनके, वो डैमेज कर सकते हैं उसके चांसेस मुझे ज्यादा, हॉट सीट की चर्चा हुई काराकाट की, अब एक और हॉट सीट है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, जहानाबाद आप तो गए हैं, समरीन भी गई हैं, घूमी हैं, चंद्रशेखर चंद्रवंशी का भी इंटरव्यू किया है हमने, देखा क्या लगता है सुरेंद्र यादव इस बार काफी, जितने एग्रेसिव वे में वो प्रचार करते थे वो इस बार काफी सॉफ्टली है, कह रहे हैं विपक्ष में कौन खड़ा है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव नौकरी की बात की और उनके सभाओं में भीड़ भी हुई, क्या लगता है जहानाबाद, यहाँ के एक्सपेक्टर है अरुण कुमार जो BSP से खड़ा है, यहाँ के पवन है अरुण कुमार जो पूर्व सांसद रहे हैं, कुशवाहा जी के पार्टी से, हाँ अच्छा इमेज रहा है और पढ़े लिखे नेता है, तो चिराग के भी साथ थे एकदम डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों में रहे हैं,
और देखिए, और पिछला चुनाव मत भूलिए आप, 1787 वोट से जीते हैं, जब मोदी जी की हवा चल रही थी तब चंद्रवंशी, तब मात्र चंद्रवंशी 1787 वोट में आप जीते हैं। और इसमें एंटी इनकंबेंसी भी है, ऑफ कोर्स एंटी इनकंबेंसी है, वो एम्बुलेंस स्कैम वाला जो स्टोरी हुआ था, मेरी स्टोरी थी कोरोना के बाद, ये काफी खबर, हाँ वो खबर आई थी, वो देखा मैंने, लोग लोकली उसको पिक किया है। और भी उनके होंगे एंटी इनकंबेंसी हैं कि लोगों से मिलते नहीं है, थोड़े एरोगेंट है, वो कुछ बहुत सारे लोकल फैक्टर्स वो ऐड हो रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सुरेंद्र यादव को शुरुआत से ही बढ़त थी, अब जब फ्रे में आ गए अरुण कुमार तो वो बढ़त मुझे डिसाइसिव लग रहा है। अगर आज के डेट में कहे कि भाई वो आरजेडी कौन सीट श्योर शॉट जीत रही है, तो मुझे जहानाबाद लग रहा है कि उसमें एक श्योर शॉट वो मुझे जो वोटर्स हम क्या कर उन्होंने अभी तक जितने फीडबैक मुझे मिले हैं, अगर कोई साइलेंट पूरा एकदम मोदी फैक्टर है जो उनको जिताने के लिए आमादा है, महिलाएं निकल के, बड़े बड़े जो नेता हैं, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, सभी वहां जाकर कैंप किए हुए थे, दर्जन से कैंप, ठीक है वो कैंप करने से, वो एक सॉलिडेरिटी जनता कैंप करने से थोड़ी वोट देती है, अगर वोट मन दो दिन पहले मन मनाती है, वो हो सकता है वोट के एक दिन पहले मन मनाए वो, आज भी मन मना ले, हाँ तो वो एक इमेज रहेगा तब ना। मैं पूरा पास्ट, अभी का ट्रेंड, जो बातचीत करने इंटरेक्शन लगता है, जो पॉलिस्टर बोल रहे हैं, वो सब बोल करके मुझे अभी तक जो सेंस आया है वो मुझे आरजेडी के पक्ष में आ रहा है। आरजेडी के पक्ष में आ रहा है। देखिए अगली सीट की बात समझना आप करेंगे। बिल्कुल, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बक्सर की सीट, और बक्सर भी इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। हमें पता है कि यहाँ पर पहलवान कौन कौन है, मतलब एक तो सुधाकर सिंह भी है, मिथिलेश तिवारी भी है, आनंद मिश्रा भी है, क्या होने जा रहा है बक्सर में? और एक पहलवान भी है, ददन पहलवान। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पहलवान की बात कर रहे थे जी। तो देखिए फोर वे फाइट में मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी ऑफ इलिमिनेशन से। आनंद मिश्रा आप पूरा कहानी जानते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हेमंता बिस्वा शर्मा के करीबी थे, उनको लग रहा था कि मिल जाएगा बीजेपी का टिकट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था, टिकट तो बाद में मिलता है, वो दूसरी प्रक्रिया है, वो खुद बोलते भी आनंद मिश्रा, आप वहीं के लोकल हैं, ब्रह्मपुर के पास ही उनका घर है, उनके घर के आसपास में गया था। तो मुझको लगता है कि जितना वोट अपनी सजाती मैंने काटेंगे ये, उधर ददन पहलवान थोड़ा बहुत उससे कम वोट उस कैंप का काट लेगा। अच्छा, जब पिछली बार किसी पार्टी से लड़े थे, बीएसपी से शायद लड़े थे, तो उनको शायद 1.25 लोग वोट ले आया था, इस बार उतना नहीं आएगा, 40-50 हज़ार। तो ये इधर 50 हज़ार मिथिलेश तिवारी का काट रहा है, वो उधर सुधाकर का काट रहा है। तो अब आइए, अब नरोन का मिथिलेश तिवारी के अगेंस्ट में क्या है कि ये आउटसाइडर वाला फैक्टर है, बैक टू बैक 3 बार हो गया, अगर 2 बार अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर का, एक कैंसर इंस्टीट्यूट आना था वो भागलपुर लेके चले गए, यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर आ गया, तो ये आउटसाइडर वाला है। और दूसरी बार सुधाकर के पक्ष में मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को जो गठबंधन में रहते जो चुनौती किया दिया, कृषि मंत्री रहते हुए खुलेआम आपको मैं बोलते विभाग के बारे में बोलते थे कि आप सब लोग चोर हो, मैं चोरों का सरदार, चोरों का सरदार, तो वो एक व्यंग था, तो उसके कारण से उनका जो प्रो पुअर इमेज हुआ उसने कास्ट लाइन को ब्लर किया है। अच्छा, कास्ट लाइन को ब्लर किया। तो मुझको ये अकेली कंस्टिट्यूएंसी लगी, जहाँ माई बाप की बात कर रही थी, यहाँ तो बाप थोड़ा सा यहाँ काम करता हुआ दिख रहा है मुझे, मुझे राजपूत वोट का स्प्लिट दिख रहा है, वहाँ एकदम वर्टिकल स्प्लिट दिख रहा है, जो बड़ा डैमेजिंग हो सकता है, जो हो सकता है। तो इनके पक्ष में क्या होगा कि मल्ला फैक्टर ऐड कर रहा है सुधाकर को, MY है, और अपर कास्ट का वोट अगर काट लेते हैं तो इनको मोदी जी ही बचा सकते हैं, अगर मिथिलेश तिवारी को बचाएंगे कोई फैक्टर तो मोदी जी ही बता सकते हैं, वो अगर इनहेरेंट है, लेटेंट है, जो हम लोग नहीं रीड कर पा रहे हैं, मैं बराबर बोलता हूँ, मेरा राइडर यही है, डिस्क्लेमर मेरा यही है, ये हो सकता है, अदरवाइज हम लोग जमीन पर देख रहे हैं तो मुझे राजद की दूसरी जीतने वाली सीट ये लग रही है। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राजद की दूसरी जीतने वाली सीट आपको बक्सर लग रही है, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अश्विनी चौबे वो भी नाराज चल रहे थे, अश्विनी चौबे, अश्विनी चौबे डैमेज कर सकते थे और बाद में पार्टी ने उनको मनाया, प्रधानमंत्री उनको मच मनाया, मान चुके हैं, दिल से मान गए हैं, हाँ मान गए हैं, तो लेकिन एक थोड़ा सा तो रिसेंटमेंट था फैक्टर ना, तो एक इंटरनल पार्टी के अंदर जो बिकरिंग होगी वो थोड़ी बहुत तो निश्चित रूप से होगी, वो फैक्टर डैमेज थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विलिंगली उन्होंने कुछ कैंपेन किया है, विलिंगली डैमेज करने की कोई कोशिश वो नहीं किया, हाँ वो मान। अब अगली सीट की बात करते हैं, 2 सीटें और बची हैं, आरा सीट की बात करते हैं, जहां पर भी लेफ्ट पार्टी है, पिछली बार भी लेफ्ट ही थी मुझे जहां तक याद है, आरके सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। देखिए आरा में एक बात होती है, लोग कहते हैं ठीक है नाराजगी और ये सब चलती रहती है, लेकिन आरा में लोग कहते हैं कि आरके सिंह ने काम किया है, लेकिन फिर भी नाराजगी दिखती है, तो क्या लगता है आरा में भी खूब गर्जे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता करके, क्या लगता है माहौल बदलेगा?
देखिए आरा जब गया ना तो मैंने कहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ, तो मुझको लगा कि जगदीशपुर जाया जाए, वीर कमर सिंह के फोर्ट से। तो मैं किले के अंदर में गया, खुला हुआ था और संग्रहालय भी है उसका, तो वहाँ शुरुआत, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वहीं से मैंने स्टार्ट किया। डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, मुस्लिम भी थे, किसान के वर्ग थे, यादव भी थे। सर ने पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनका नाम में भी था, नाम पूछा तो उन्होंने यादव बताया, तो मैंने उनको टटोलने की कोशिश की। तो यहाँ भी लगा कि कास्ट के आधार पर है, राशन भी उतना ही प्रीडोमिनेंट है यहाँ भी। और आरके बोल रहे कि आरके सिंह के डेवलपमेंट वर्क, जिसकी यह चर्चा की आप, डेवलपमेंट वर्क की भी काफ़ी चर्चा हुई कि ऊर्जा मंत्री के रूप में, मतलब जो उन्होंने काम किया है पास्ट में, उनका जो रीच आउट है लोगों का वो ठीक है। तो वहाँ चूंकि आप शाहबाद का लैंड जानते हैं, ये मतलब आंदोलन की भूमि रही है, उसी के करीब सदानंद सरस्वती का कुछ ही दूरी पर बेटा आश्रम हुआ करता था। तो एक शाहबाद, एक और खास करके भोजपुर, आप देखिए नरसंहार हुए, उसकी हॉटलैंड वहाँ है, तो वो काफी अभी अभी बालू लेकर के वो तो है ही, वो तो चल ही रहा है। तो यहाँ अपना लोग कार्डर बोल रहे हैं, पिछली बार भी राजू यादव लड़े थे, काफी अंतर रहा था। बैटल है बिहार की, कोई आज के डेट में कोई सीट नहीं है जहाँ आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा है, संघर्ष है। लेकिन संघर्ष होने के बावजूद भी मैं बढ़त आरके सिंह को ही दूंगा, बीजेपी को। आरके सिंह का काम है जो बोलता है, हाँ आरके सिंह का काम है, और थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट हो सकता था उनके अगेंस्ट में, लेकिन उतना स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट दिखा, हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है आरजेडी का कैंडिडेट होता कोई तो थोड़ा और बढ़त मिलता, थोड़ा मुझे लगता है। और वो जो आपने बोला लेफ्ट वाला जो फैक्टर है, वो जो होल्ड करता है लोगों को, माइंड में सेट रहता है, माइंड में सेट दे रहा है। हाँ चलिए अब अंतिम सीट की बात समरीन कर लेती हैं। बिल्कुल, आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट। क्या होने जा रहा है सासाराम से, क्या खबर आ रही है? देखिए सासाराम सुरक्षित सीट है, ये सीट ने मीरा कुमार ने जीता है इसको, मतलब जगजीवन राम से जोड़ के इसको देखा, इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हाँ इस बार मना कर दिया, और यहाँ मुनीलाल जीत चुके हैं, छेदी पासवान जीत चुके हैं, इस बार शिवेश राम को टिकट मिला, इधर से मनोज कुमार दिया। मनोज कुमार एक नया है, नया लड़का आया उसमें कांग्रेस से। तो ये सीट में बात कर रहा था, एक वहां के लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहा था, तो उसका डायनामिक समझा रहे थे कि आरजेडी का वोट अगर ट्रांसफर होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर, जनरली क्या होता है ना कि कांग्रेस और अलायंस में रहता है, जब आरजेडी का कैंडिडेट हो तो कांग्रेस का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन जब कांग्रेस लड़ रही हो तो कोई जरूरी नहीं कि उनका वोट ट्रांसफर हो। या तो ऐसा ही कुछ पट्टा साहब में भी देखने को मिला, हाँ ये न्यूट्रल, मतलब क्या है कांग्रेस ऐसे कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो ये जो मैंने एक जो उनका जो ह्रास हुआ है राजनीतिक ह्रास, वो रिफ्लेक्ट होता है हाँ। तो ये मुझे इस सीट की मुझे क्लैरिटी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, सीट पे क्या है उन लोगों से बातचीत करके हमको लगा, तो थोड़ी बहुत बढ़त मुझे शिवेश राम को ही लोगों ने दिया कि शिवेश राम, हाँ शिवेश राम निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन बोला कि अच्छी टक्कर है, मतलब यहाँ पर भी एनडीए की ही जीत होने जा रही है, यानी कि हो सकती हो एनडीए की जीत हो सकती है। अब उनको हम मनोज कुमार को निराश क्यों करेंगे, वो काफी बैटल में है, लेकिन जो अभी तो प्राइमरी जो हमको जो इनिशियल जो सेंस लगा वो पूरा ये इलेक्शन में शुरुआत से बोल रहा है कि राशन वर्सेस कास्ट का बैटल है ये। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संतोष जी ने, देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है उन 8 सीटों की जहां पर, यानी कि कल जहां पर 1 तारीख को जहां पर मतदान होने वाला है, और हमने आपको बखूबी बताया है कि आखिर इन सीटों का सोशल पॉलिटिकल कैलकुलेटर क्या कुछ बता रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए की वोटिंग होनी है, जिन लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है या अब तक उन्हें मौका नहीं मिला है वो अपना वोट जरूर देंगे। ये लाइव सीज अपील कर रहा है कि लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए आप अपना वोट जरूर दें। बिल्कुल, मतदान करना बेहद जरूरी है, तो कल बिल्कुल आप भी अपना मतदान कीजिए और अपना मत दीजिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज। बहुत शुक्रिया।